मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त जो भी मामलात होंगे, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो वोटर है, जिसने निकलकर वोट किया है, उनको जिताने में मदद की है, दो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी, उसके वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसका एहतराम तो करेंगे ना। बात यह है कि एक तो यह कि जहां वो बड़ी पार्टी हैं तो पहला हक उनका है, ठीक, और सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में अददी अक्सरियत हासिल की है, हुकूमत साजी का पहला हक उन्हीं को मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये पीटीआई के सोचने की बात यह है कि अगर वो इस सिस्टम के साथ है, अगर वो पार्लिमानी जमहूरियत पर बिलीव करती है, अगर वो इस रियासत के अंदर एक फेडरेशन के अंदर है और एक वफाकी जमहूरी पार्लिमानी सियासत के अंदर बिलीव करती है, तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि जमहूरी पार्लिमानी सियासत जो है वो बातचीत गुफ्तगू के बगैर आगे नहीं बढ़ती है। आप ठीक है कि इस वक्त आपके वोटर ने आपको एक ऐसे विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा कर दिया है कि जहां पर पहली पोजीशन पर हैं आप, लेकिन अगर इस विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर आप कहें कि ये अखाड़ा मैं उखा कर फेंक दूंगा, ये क्रिकेट का ग्राउंड अगर ग्राउंड है तो मैं सारे को कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा, जहां क्राउड बैठा हुआ इस क्राउड को उठाकर मैं भगा दूंगा, मुझे पहले संभाल कर हर चीज दो, सबको मिलिया मेट कर दो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो पार्लिमानी सियासत में ऐसा नहीं हो सकता है। पार्लिमानी सियासत में आपको गिव एंड टेक भी करना पड़ता है, डायलॉग भी करना पड़ता है, गुफ्तगू भी करनी पड़ती है, और आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों के लिए स्पेस पैदा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि दूसरों के लिए आप उनको वजारतों में शामिल करें, हुकूमत में शामिल करें, उनको साथ मिलाएं, स्पेस पैदा करते हैं, अगर ये पैदा नहीं करते हैं तो फिर आप मजीद ऐसे ही हादसात के लिए भी तैयार रहें और मजीद मुश्किलात के लिए भी तैयार रहें। कैसे हादसात के लिए, क्यों अब मजीद हादसात क्यों होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्लिमानी सिस्टम पर बिलीव है तो उसके तमाम इंस्टीट्यूशन अगर पार्लिमानी सिस्टम पर बिलीव ना होता तो फिर वो इलेक्शंस क्यों? ये आपकी अलग बात, ये बात आपकी ठीक है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं वाला, बस सिंपल कर दे इसको कि भाई मैं नहीं तो कुछ नहीं वाले रवैये से बाहर निकलना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।